हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों फिलहाल मैं अभी पागल बाबा मंदिर के पास में मौजूद हूँ। इधर आप देखेंगे मेरे पीछे तो ये है पागल बाबा का मंदिर। और कल है नया साल, तो आप सभी लोग मुझसे वृंदावन धाम की अपडेट मांग रहे थे, तो उसी कड़ी में मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि हम ऐसे ही आपको धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाते रहते हैं। अब अपने वीडियो के पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इस जगह से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कल 1 जनवरी को यहाँ से आगे ऑटो नहीं जाएगा, समझ रहे हो आप। पागल बाबा मंदिर से आगे ऑटो नहीं जाएगा, हो सकता है कि यहाँ तक भी ऑटो नहीं आए। अगर आप मथुरा से आएंगे तो ऑटो में बैठ करके आप आएंगे, तो यहाँ से आगे आप समझ रहे हैं ना, ये यहाँ से आगे ऑटो नहीं जाएगा। और थोड़ी सी आगे चलने पर यहाँ पर एक तिराहा पड़ता है, यानी कि जो यमुना एक्सप्रेस वे से होकर के जो गाड़ियाँ आएंगी वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, वो गाड़ियाँ भी इस जगह से आगे नहीं जा पाएंगी। अभी मैं अभी आगे जाऊँगा तब आपको इस जगह को भी दिखा दूंगा। तो यहाँ से आगे आपका ऑटो नहीं जाएगा, तो यहीं पर आपको ऑटो वाला उतार देगा। तो उतरने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर दर्शन कर लेने पागल बाबा मंदिर के, क्योंकि ठीक सामने आपको उतरना है यहाँ पर। और ये वृंदावन में प्रवेश करोगे आप मथुरा रोड से, तो ये पहला मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि वृंदावन धाम का है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे की आपको पूरी जर्नी दिखाते हैं कि अभी वृंदावन धाम की क्या सिचुएशन है। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम रहता है इस जगह पर, ऑटो की लंबी लाइन, गाड़ियों की लंबी लाइन रहती है, लेकिन आप ये समझोगे कि आज 31 तारीख है और आज तो बहुत ज़्यादा जाम होना चाहिए, तो आज क्यों नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आज यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आए हुए थे, उस वजह से ट्रैफिक को बिल्कुल क्लियर करवा दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। ऑटो वगैरह, ई रिक्शा वगैरह सबको बंद कर दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक नहीं लग रहा है। अब आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर तो जाम नहीं है और हम कह रहे थे कि जाम है जाम है, तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है क्लियर करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं ऑटो भी बहुत कम यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि आगे से बंद करवा दिया गया है ट्रैफिक। और यहाँ से आगे वैसे भी आपको पैदल ही जाना पड़ेगा वृंदावन धाम में, हो सकता है कि क्रॉस करने के बाद में आगे इसको तिराहे को क्रॉस करने के बाद में आपको कोई ई रिक्शा वगैरह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो और दूसरा रास्ता है छठीगढ़ होकर के आप आओगे, तो वहाँ पर भी आपको पैदल ही आधा रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाएगी। तो कल की बात हम कल करेंगे, कल के वीडियो में आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो पागल बाबा मंदिर से हम बढ़ चले हैं वृंदावन धाम की तरफ, और जिस तिराहे की मैं आपसे बात कर रहा था वो है आगे आने वाला तिराहा। इधर से राइट हैंड की तरफ जो रास्ता जा रही है वो यमुना एक्सप्रेस वे से जो वाहन आएंगे वो इधर से डाइवर्ट करके मथुरा की तरफ भेज दिए जाएंगे, यानी कि वृंदावन की तरफ कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। यहाँ पर पार्किंग भी है एक बहुत बड़ी, और टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर भी है, तो यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क कर देनी है, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। इधर की तरफ आप देख रहे हैं ना, राइट हैंड की तरफ, और सीधे हम जाएंगे तो ये वृंदावन धाम के लिए रास्ता निकल जाएगा। हालांकि अभी जाम नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं जाम लग गया है। जितनी भी ये गाड़ियाँ लग रही है ना, ये सोच रहे होंगे कि हम वृंदावन धाम में चले जाएंगे अपनी गाड़ी को लेकर के, लेकिन आगे से इनको वापस भेज दिया जा रहा है। जिधर से आए हैं उधर ही पार्किंग में इनको गाड़ी लगानी पड़ेगी, और यहाँ से आगे पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो वालों को भी अंदर यहाँ से नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं एक दो ई रिक्शा है वो अंदर यहाँ पर आ गए हैं, बाकी यहाँ से जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पैदल ही वृंदावन धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑटो नहीं है, सब के सब यहाँ पे पैदल ही वृंदावन धाम की तरफ जा रहे हैं। सामने ये बड़ा सा गेट दिखेगा आपको, यहाँ पर जब ऑटो छोड़ेगा तो पैदल आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ऑटो मिल जाए या ई रिक्शा मिल जाए, अगर मिल भी गया तो आपसे बहुत महंगे जो किराया है ना वो चार्ज करेगा। अब हम सीधे जाते हैं तो ये अटल्ला चुंगी के लिए रास्ता जाएगी, और परिक्रमा मार्ग के लिए भी ये रास्ता निकल जाएगी, लेकिन मैं आपको दूसरे रास्ते से होकर के प्रेम मंदिर ले जाता हूँ, ताकि अगर आपको पैदल भी जाना पड़े तो आप आसानी से पहुँच जाएँ। ये छोटा रास्ता है और ज़्यादा टाइम यहाँ से आपको चलने में लगेगा नहीं। तो थोड़ा सा आगे आप वृंदावन धाम की तरफ चलेंगे तो ये लेफ्ट हैंड पर एक पुल पड़ेगा, फ्लाईओवर पड़ेगा, इसके ऊपर आपको चढ़ जाना है। और ऊपर होके अगर आपको दिक्कत हो रही है चलने की, तो पुल के नीचे होकर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको पैदल ही जाना है, तो पुल के नीचे होकर के आप निकल सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, बन रही थी लेकिन अभी उसमें रोक लगी हुई है, बंद है वो, तो आप पैदल ही पुल के नीचे से भी निकल सकते हैं, तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है।
अभी फिलहाल तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको वृंदावन धाम के अंदर पैदल ही घूमना पड़ेगा और मंदिरों के पास जाना पड़ेगा, दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑटो ई रिक्शा की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी गई है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है। इस वजह से बाहर के जो वाहन हैं वो भी अंदर नहीं आ रहे हैं और ऑटो और ई रिक्शा वालों को भी रोक दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से जो लोग हैं ना वो पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इसका जो डिस्टेंस है जहाँ आपको ऑटो छोड़ेगा पागल बाबा मंदिर से, वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के समथिंग पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप इसको पैदल कवर कर सकते हैं। ऑटो का इंतज़ार करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, समझ रहे हो दोस्तों। ये कुछ गाड़ियाँ अंदर आई हैं तो ये VIP लोगों की गाड़ियाँ हैं, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गई, तो इन लोगों की गाड़ियाँ हैं तो इनको तो अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। स्कूल बस हैं तो ये तो अंदर आ सकती हैं। तो इसी रोड से आपको सीधे सीधे चले जाना है, कोई भी आपको कट नहीं लेना है, इस रोड को छोड़ना नहीं है अगर आप पैदल जा रहे हो तो। और आपको अगर ऑटो ई रिक्शा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपको पैदल ही आगे बढ़ जाना है। ऑटो का या ई रिक्शा का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, नहीं तो आपका समय जो है वेस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो त्यौहार का जो सीज़न होता है, यानी कि जब यात्री लोग सबसे ज़्यादा वृंदावन धाम में आते हैं, तो ये बोलते हैं सब लोग, अरे कि इतने सारे यात्री आ रहे हैं, इतने सारे यात्री आ रहे हैं। लेकिन जब कोई VIP लोग, जैसे कोई नेता वगैरह आते हैं ना, तो उनको तो पूरा रोड जो है क्लियर चाहिए। इससे क्या होता है, जो इतनी दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि भाई जितने दूर से लोग आ रहे हैं उनको दर्शन ना मिले, पैदल चलना पड़ जाए, तो ये कितनी गलत बात है ना, उनके साथ में तो गलत हो रहा है। लेकिन नेता लोग जो आते हैं उनको तो पूरा रोड क्लियर मिल जाता है, आराम से दर्शन कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारी वजह से दूसरे जो लोग आ रहे हैं इतनी दूर से दर्शन करने के लिए, उनको कितनी समस्या हो रही हैं। तो ये एक बार इनको सोच लेना चाहिए कि त्यौहार के टाइम पे इनको नहीं आना चाहिए, सीजन के टाइम पे इनको नहीं आना चाहिए, एक बात का इनको ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल हम देखो थोड़ी सी दूरी चले हैं, और इधर आप देखोगे ना राइट हैंड पर, तो ये वृंदावन के अंदर जाने का रास्ता है बिल्कुल। और यहीं पर थोड़ी सी दूरी पर आप राइट हैंड पर चलोगे तो इस्कॉन मंदिर पड़ जाएगा और परिक्रमा मार्ग भी पड़ जाएगी। उससे थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको बांके बिहारी मंदिर के दर्शन होंगे। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड में, क्योंकि प्रेम मंदिर तक हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इससे आगे का जो अंदर की तरफ जाएंगे हम, इस्कॉन मंदिर होते हुए बांके बिहारी मंदिर की तरफ, वो अगले वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। क्योंकि देखो ये वीडियो जो शूट हुआ है ना, ये 31 को शूट हुआ है लेकिन अपलोड हो रहा है 1 तारीख को। दिक्कत क्या है, क्योंकि एडिटिंग करने में से भी समय लग जाता है और एक दिन में हम ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं इस वजह से। तो इसके बाद में बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा दूसरा वाला वीडियो, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा, पूरे वृंदावन धाम के दर्शन आपको करवाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमसे ज़रूर जुड़ जाना। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर के पास में, और यहाँ पर भी देखो कुछ जो गाड़ियाँ होती हैं ना वो पहले से अंदर आ चुकी होती हैं, तो अब ये बाहर जाने के लिए खड़ी है, गाड़ियाँ जाम में फंसी पड़ी हैं, क्योंकि ये प्रेम मंदिर के सामने वाले रोड है और यहाँ बहुत ज़्यादा जाम रहता है, बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप यहाँ पैदल भी अच्छे से नहीं निकल पाओगे, इतना जाम इधर रह जाता है। तो इधर देखेंगे आप हमारे राइट हैंड की साइड में, इधर तो ये प्रेम मंदिर है, बिल्कुल रोड के किनारे पर बना हुआ है। हालाँकि यहाँ पर भीड़ बहुत है, तो धीरे धीरे से हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पार्किंग भी है बहुत सारी, तो आप गाड़ी को यहाँ पर पार्क भी कर सकते हैं अपनी को, अगर बाइक से आ रहे हो तो। 4-व्हीलर तो यहाँ तक आएगी ही नहीं आपकी, क्योंकि पहले ही रोक दिया जाएगा उसको। तो यहाँ देख सकते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाना। अभी बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो आने वाली हैं, आपको दिखाने वाले हैं हम लोग। और यहाँ देख सकते हैं आप, प्रेम मंदिर है इधर, तो इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में आपको वृंदावन धाम के अंदर लेकर के चलेंगे, बांके बिहारी मंदिर वाली रोड से होकर के इस्कॉन मंदिर होते हुए। तो मिलते हैं।